जबलपुर के कैंट में मकान खाली कराने के दौरान लापरवाही में हुई मौत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर भड़के परिजनों ने आज पेंटी नाका के पास सड़क पर लाश रखकर प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म सेना और बुजुर्ग के परिजनों ने कल कैंट थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक सदर YMC कंपाउंड में रहने वाले मोहनलाल पासी के घर शनिवार दोपहर कोर्ट का आदेश लेकर कैंट थाने के पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारी मकान खाली करने पहुंचे थे और मकान तोड़ने की कार्यवाही के दौरान 73 वर्षीय मोहनलाल पासी एकाएक अचेत होकर गिरे और उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने पुलिस को बताया कि रमेश पॉल के साथ आए दो लड़कों ने बुजुर्ग मोहनलाल के साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर परिजनों को बताया कि दोनों लड़कों को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया गया है। जांच पूछताछ एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की माने तो न्यायालय के आदेश पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत होने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है। PBC के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। कल माननीय न्यायालय के आदेश से YMC ग्राउंड में कब्जा खाली कराने की कार्रवाई हुई थी। उस दौरान 73 वर्षीय बुजुर्ग मोहनलाल पासी जी हार्ट अटैक से प्रथम दृष्टया मृत्यु हो गई। उन्हीं का उसने जो है किसी भी प्रकार का कोई मर्ग कायम किया जांच की जा रही है। वहाँ पर किसी प्रकार की मारपीट हो रही है, आगे जो मर्ग जाँच है उसकी कार्रवाई की जा रही है और सभी को शांतिपूर्ण तरीके से गायब कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।